सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 हमारा कंप्लीट किया था, जो था हमारा एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और आज हमारे चैप्टर का नाम है क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप एंड एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, कि जो हमारी एजेंसी होती है उनका क्लाइंट के साथ क्या रिलेशनशिप रहता है और हमारी डिपार्टमेंट के साथ कैसा रहता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजर एंड एड एजेंसी, मतलब उनके बीच में ट्रस्ट कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, क्या फॉर्म है, कैसे वो वर्क करते हैं, फ्री हैंड करते हैं क्या नहीं करते, कौन कौन सी कंपनीज के साथ वो अपना काम करते हैं, छोटी कंपनी के साथ या फिर लार्ज कंपनी के साथ। आजकल जो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनके पास काफ़ी सारी सर्विसेज है, जो एक्सपर्ट है, स्किल क्रिएटिव स्किल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, और प्रोफेशनल्स भी हैं जिन्हें क्लाइंट्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, और वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्लाइंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि जो हमारे क्लाइंट एजेंसी है वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेन रहते हैं, बिकॉज वो सेटिस्फाइड नहीं होते अपने कमीशन सिस्टम से, अपनी एड एजेंसी से। वो कंपनसेट करते हैं 15% जो उनका कमीशन रिसीव होता है वो मीडिया और एडवर्टाइज़र ही ले जाता है, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा हाई लगता है। जो हमारा रिलेशन है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है। जो हमारे रिलेशनशिप है वो स्मूथ और कॉर्डल चलता है, बिल्कुल लेसर देन टर्नओवर के साथ। इन्होंने कुछ फ्लोइंग हेडिंग्स भी दिए है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप, रीजन ऑफ क्लाइंट्स टर्नओवर, हाउ एजेंसी गेट्स क्लाइंट्स एंड हाउ कैन क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप बी इम्प्रूव्ड, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव क्लाइंट्स एजेंसी रिलेशनशिप। सबसे पहले, नॉट टू एडवर्टाइज फॉर इमीडिएट कॉम्पिटिटिव यूनिट। जो हमारा बेटर रिलेशनशिप है हमारी लॉन्ग रन में, उसे एजेंसी एक्सेप्ट नहीं करती है बिजनेस। इमीडिएट जो हमारे राइवल्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। उनके लिए सेकंड एजेंसी हैंडल करना विदाउट एनी कांस्टेंट फर्स्ट एजेंसी से उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें प्रमोट करना पड़ता है अपना रिलेशनशिप विद द लॉन्ग टर्म। सेकंड है क्लाइंट प्रायर अप्रूवल फॉर द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो यही होती है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम से कम हो, और कोई भी हमारे अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो हमारी एजेंसी और हमारे बीच, और हमारा रिलेशनशिप डेलिकेट वे में हो, हैम्पर हो, और जो हमारी इनकरिंग एक्सपेंडिचर है वो भी प्रायर अप्रूवल के साथ हो। प्रॉन्ट पेमेंट, जो पेमेंट करते हैं वो तभी करते हैं बिलिंग के साथ करते हैं। जो हमारी एड एजेंसी है वो जो हमारे मीडिया ऑनर है उनको टाइमली पे कर देते हैं प्रोफेशनल्स को, और कोई भी क्लाइंट से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो फाइनेंस के भी प्रोग्राम के अगर, मतलब क्लाइंट शुड पे बिल्स ऑफ एजेंसी वेल इन टाइम, मतलब उसे टाइम पे ही पे करना पड़ता है। पासिंग डाउन कैश डिस्काउंट टू क्लाइंट्स, हम अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट भी देते हैं अगर उन्हें बिल्स वो ड्यू डेट तक हमें दे देते हैं। नॉट टू ब्लेम एजेंसी फॉर मीडिया लैब्स, हम कभी भी क्लाइंट्स कभी भी ब्लेम नहीं कर सकता एजेंसी को मीडिया लैब्स के लिए, एड शेड्यूलिंग के लिए या फिर एड पोजिशनिंग के लिए। जो एड शेड्यूलिंग है वो टाइम और डेट इशूइंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रो और एड पोजिशनिंग को सीधे प्लेस इन प्रिंट मीडिया वेयर एड गिवन, ठीक है, तो उसके लिए आप एजेंसी को कभी क्लेम नहीं कर सकते। गुड सर्विसेज, जो हमारी एड एजेंसी होती है वो काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को, एफिशिएंट सर्विसेज होती है, इकोनॉमिक रेट्स होता है, अप्रोप्रिएट टाइम होता है, और उनकी जो एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जो हमारी क्लाइंट और एजेंसी उनके बीच में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बना रहता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो उन्हें चीट करेगा या फिर वो उन्हें चीट करेगा। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर तभी आप विश्वास करोगे तभी आप कुछ काम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। आपके दोनों एजेंसी और क्लाइंट के पास रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि हमारे सिर्फ ये टर्म्स एंड कंडीशन है, हम इन कंडीशंस को पूरा करेंगे, इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे, अगर हम इससे बियॉन्ड जाते तो हम अपनी पेनल्टी पे करेंगे, अपना कमीशन चार्ज करेंगे। फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन एजेंसी एंड क्लाइंट्स, जो फ्रीक्वेंट एजेंसी और क्लाइंट्स उनके बीच फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट रहता है एक दूसरे के साथ, वो अपना काम बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, करते हैं। उसके बाद है रीज़न ऑफ क्लाइंट टर्नओवर। क्लाइंट टर्नओवर क्यों होती है, कई बार वो पुअर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं होती। पर्सनल चेंजेस इन स्टाफ, कई बार वो पर्सनल चेंजेस कर देते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड टीम नहीं होती, कुछ नो सिखिया वाले क्लाइंट्स होते हैं जिससे वो फ्रीक्वेंट होते हैं। पुअर कम्युनिकेशन, कई बार क्लाइंट और एजेंसी की पुअर कम्युनिकेशन की वजह से उनके बीच में जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ना बिल्डअप होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर भी हो सकता है।
पेमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, मतलब हाई फी कर दी हो, कोई कैश ना करा हो, कोई कोई डिस्काउंट ना दिया हो, टाइमली पे ना किया हो, ड्यूज रहते हो या फिर डेट्स बन गए हो आपके, इस चक्कर में भी टर्न ओवर हो सकता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में चेंज आ रहा हो तब क्लाइंट टर्न ओवर हो जाता है। पर्सन कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कई बार अपनी अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी हो जाता है। जो कॉम्पिटिटिव यूनिट स्टार्ट हो जाती है उस वजह से भी हो जाता है। लेस इंटरेस्ट इन एडसेंसी, कई बार लेस इंटरेस्ट होने की वजह से भी टर्नओवर हो जाता है। कॉन्फिडेंस को लूज़ करने की वजह से भी टर्नओवर आ जाता है। और कई बार चेंज में चेंजेस आ जाते हैं, लाइक एक्सेप्टिंग द इमीडिएट वर्क में, या फिर क्लाइंट अकाउंट कोई कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, इंटरफेरेंस ज़्यादा है वर्किंग एजेंसी में, या फिर कोई बिलिंग पे नहीं हो रही, इस वजह से टर्नओवर हो सकता है। उसके बाद है हाउ एजेंसी गेट्स क्लाइंट, कैसे वो करती हैं, थ्रू रेफरल्स, बाय राइटिंग लेटर्स, मेकिंग कॉल्स विजिबल, प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन लाइक एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट्स, प्रीवियस वर्क, क्लाइंट्स नेम, अपनी बुकलेट बनाती हैं और फिर कन्वेंस करती है, अपनी गुड इमेज और रेपुटेशन करती है, अपनी प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कैंपेन्स करती है ताकि उन्हें क्लाइंट्स मिले, ऑफरिंग मार्केटिंग सर्विसेज, काफ़ी ज़्यादा वो अपनी मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद है हाउ क्लाइंट्स एजेंसी रिलेशनशिप भी इंप्रूव्ड, कैसे इंप्रूव करती हैं, इन तरीके से करती है, आप इसे खुद रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद है मेथड है रेम्यूनरेशन के, किस तरह, तीन है, कमीशन सिस्टम, सर्विसेज चेंजेस एंड फी सिस्टम, कैसे कमीशन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, इन्होंने यहाँ दिया हुआ एग्जांपल। मीडिया बिल है, कॉस्टफुल मुझे कितनी है 50,000, लेस कमीशन कर दिया इन्होंने, इतना कर दिया, इतने बच गए, हमने डिस्काउंट दे दिया, इतना दे दिया, एडसेंसी को कितना पे करना पड़ा, इतना, ठीक है। फुल मैगजीन इतनी है, हमने लेस कर दिया कमीशन, इतना हमारे पास कितने, हमें एडवर्टाइज़र को इतना देना पड़ा, तो इस तरीके से हम अपना कमीशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इवोल्यूशन क्या है, ईजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मीडिया वो लार्ज अमाउंट में दे सकता है, जो क्लाइंट्स है वो भी वेरी हाई टोटल बजट है, हाई सर्विसेज हैं उनके पास, और जस्टिफाई एक्शन है, और जो मेथड है वो एड्स हैं वो प्रमोट करता है कॉम्पिटिटर्स को बाय ऑफरिंग 15% कमीशन। सर्विसेज चार्जेस लगते हैं, जो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका 15% चार्ज लगाते हैं, और फी चार्ज भी लगता है, कोई हम अब अपनी फ़ी ले रहे हैं तो उसका भी हम चार्ज लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए कमीशन लगाना है तो कमीशन जितना लगाओगे उसका लेस करके दे दो कंपनी को और एडवर्टाइज़र को, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका भी हम 15% ले रहे हैं, वो लेस करके दे दो, और हमारी फ़ी चार्जेस जो उनकी फ़ी होगी वो भी हमसे मांग रहे हैं, ठीक। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट क्या, अकॉर्डिंग टू विल बटनन, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट इज़ अ डिपार्टमेंट विद इन द कंपनी दैट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन आउटसाइड वेंडर एंड इंटरनल मार्क मैनेजमेंट। क्या मतलब है, जो हमारी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है वो कंपनी के साथ फैसिलिटेटर, मतलब जो आउटसाइडर इंटरनल है उनके साथ अपना बना के रखती है, हेड जो होता है वो हमारा मतलब अकाउंटेबल है, वो डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है मार्केट डेवलपमेंट को, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को। इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर रखा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कॉपीराइटिंग मैनेजर, आर्ट मैनेजर, एड प्रोडक्शन मैनेजर, मीडिया प्लानर एंड एड इवोल्यूशन मैनेजर, ये अपने अपने काम करते हैं, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, ब्रांड को कैसे बना रखे हैं, एडवर्टाइजर मैनेजर ब्रांड ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, मतलब जितने ब्रांड उतने उतने मैनेजर्स। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल सेगमेंट्स, मतलब रीजनल के लिए एरिया ए, रीजनल बी के लिए सेकंड बी, और एरिया सी के लिए थ्री, मतलब तीन हर एरिया के लिए अलग अलग मैनेजर्स बनाए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, टीवी एड मैनेजर अलग होगा, न्यूज़पेपर एड मैनेजर अलग होगा, मैगजीन एड मैनेजर अलग होगा, आउटडोर एड मैनेजर अलग होगा, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मैनेजर्स बनाए हुए हैं। फंक्शंस देखिए क्या है, प्लानिंग हो, सबसे पहले प्लान करते हैं कि डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, हम फिर अपना बजट प्रिपेयर करते हैं, फिर उसे एलोकेट करते हैं, फिर अपने प्रोग्राम्स और कैंपेन्स की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद रिसर्च फंक्शन कर जाते हैं कि रिसर्च में एड डेवलपमेंट क्या होगी, कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंसेस, फैशंस क्या है, मार्केट कंडीशंस क्या है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज क्या है, हम कैसी कैसी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमारी क्रिएटिव टीम के लिए ज़रूरी है। उसके बाद क्रिएटिव फंक्शन अपना करेंगे, क्रिएटिव फंक्शन में क्या क्या होता है कि डिसाइडिंग मैसेजेस क्या होगा उसको डिसाइड करेंगे, एडवर्टाइजिंग अपील क्या होगी, लेआउट क्या होगी हमारे डिजाइन की, एड कॉपी की क्या डिजाइनिंग होगी, कैसे कैसे क्रिएटिव टीम को हम हेल्प करेंगे, मतलब ग्राफिक दिखाएंगे, कार्टून दिखाएंगे, कैमरामैन, उन सर्विसेज को हायर करेंगे, टेक्निकल स्टाफ को बुलाएंगे बाहर से। उसके बाद कॉन्टैक्ट करेंगे हमारी एड एजेंसी से कि हमें टीवी वाली एड चाहिए या रेडियो चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, उसी डिपार्टमेंट को हायर करके कॉन्टैक्ट करेंगे, बात करेंगे और अपने टेक्निकल ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजिंग को
प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे हमारी एडिटिंग, मीडिया को सेलेक्ट करेंगे, उसकी शेड्यूलिंग करेंगे, फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ टाइम लाएंगे, वेरीफाई करेंगे हमारी मीडिया का राइट टाइम राइट प्लेस और राइट फॉर्मेट है या नहीं है, फिर वेरीफाई करेंगे मीडिया बिल्स की पेमेंट हो रही है नहीं करेंगे, फिर इवेल्यूट करेंगे अपने फंक्शन को, हर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसकी इफेक्टिवनेस को देखेंगे, वीकनेस को देखेंगे और कैंपेन को देखेंगे, फिर पब्लिसिटी करेंगे हमारे फंक्शंस की, और फिर जो हमारे अदर फंक्शन क्या है, डिस्प्ले, मटेरियल, न्यू साइंस, डीलर, स्टॉकिस, एडसन, इनसे हम कॉन्टैक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारी हमारी जो कोऑर्डिनेटिंग प्लान्स है, पर्सनल सेलिंग है, जो हमारे सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको नोटिस करते रहेंगे बार बार, ठीक है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 14 ख़त्म होता है, जो कि था हमारा क्लाइंट एजेंसी डिपार्टमेंट। सो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।